को पढ़ेंगे। यहाँ पर रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर में हम परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव करते हैं उन मेथड को हम डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ वाटर को समझा, और उसका जो सेकंड पार्ट था हमने हार्डनेस ऑफ वाटर कितने टाइप की हार्डनेस है उसको हमने डिस्कस किया। अब हम रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला मेथड है परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव किया जाता है, यूजिंग वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करते हैं। अब परमानेंट हार्डनेस है क्या है, जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, परमानेंट हार्डनेस क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, इसके अलावा अदर हैवी मेटल्स के भी क्या है, सल्फेट्स एंड क्लोराइड है, उसे हम क्या कहते हैं, परमानेंट हार्डनेस। अब ये जो वॉशिंग सोडा है कैसे परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है, उसका सिंपल रिएक्शन हम लिख लेते हैं। हार्ड वाटर जब वॉशिंग सोडा या हम कहें सोडियम कार्बोनेट को हम, इसका जो कॉमन नेम है वॉशिंग सोडा है, जब हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बना रहा है इनसॉल्युबल व्हाइट पीपीटी बना रहा है। ये जो इनसॉल्युबल व्हाइट पीपीटी है उसको हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड से हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। केमिकल रिएक्शन है परमानेंट हार्डनेस, एग्जांपल कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। जब हम इनकी रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ट्वाइस NaCl। मैग्नीशियम क्लोराइड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर मैग्नीशियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट और ट्वाइस NaCl। कैल्शियम सल्फेट वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्ट कर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन कर रहा है। मैग्नीशियम सल्फेट सोडा के साथ रिएक्ट कर मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इसको शॉर्ट में ये है कि परमानेंट हार्डनेस किसके साथ रिएक्ट कर रही है, वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्ट करती है, तो ये क्या करता है, उसके रेस्पेक्टिव कार्बोनेट्स के फॉर्म में क्या होता है, प्रेसिपिटेट होकर परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है। नेक्स्ट मेथड है कार्गोन मेथड। कार्गोन मेथड, कार्गोन एक केमिकल कंपाउंड है जिसका केमिकल नेम है क्या है, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट का जो कमर्शियल नेम है वो कौन सा है, कार्गन है। अब यहाँ पर ये वाटर के साथ आयोनाइज होकर ये आयोनाइज हो रहा है। आयोनाइज सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट पानी में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है उनके साथ रिएक्ट कर बना रहा है सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। और इस टाइप से पानी में जितने भी कैल्शियम और मैग्नीशियम है उन सबको क्या करता है, रिमूव करता है। नेक्स्ट रिमूवल मेथड है जियोलाइट या परम्यूटेट मेथड। जियोलाइट या परम्यूटेट मेथड को हम आयन एक्सचेंज मेथड के तौर पे भी हम जानते हैं। जियोलाइट है क्या है, जियोलाइट है हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड यहाँ पर क्या है, जियोलाइट है, यहाँ Na क्या है, सोडियम है। केमिकल कंपोजिशन क्या है जियोलाइट का, Na2 Al2 Si2 OA X वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल इससे क्या है, जुड़ा हुआ है। इसको जब हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या होता है, Na
AlSiO4 X वाटर मॉलिक्यूल, ये इसका क्या है केमिकल फॉर्मूला। हार्ड वाटर जब जियोलाइट बेड से जब पास होता है तो ये बनाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम, जियोलाइट का फॉर्मेशन करता है और रिमेनिंग हमें ऑब्टेन होते हैं एन आयंस, हम क्या करते हैं ऑब्टेन करते हैं। केमिकल रिएक्शन है हार्ड वाटर सोडियम जियोलाइट के साथ रिएक्ट कर ये दे रहा है कैल्शियम जियोलाइट और साथ में ये दे रहा है NaCl। इसी टाइप से मैग्नीशियम सल्फेट सोडियम जियोलाइट के साथ रिएक्ट कर मैग्नीशियम जियोलाइट और साथ में दे रहा है Na2SO4। इसका मतलब है कि हार्ड वाटर में जो प्रेजेंट है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जियोलाइट के साथ रिएक्ट कर, जब हम जियोलाइट से जब पास करते हैं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट बेड पर क्या होता है एब्जॉर्ब हो जाते हैं और आयन को क्या करता है एक्सचेंज करता है। तो ये सोडियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड ये क्या होता है आगे हमें वाटर में ऑब्टेन होता है। इस टाइप से हम वाटर में से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को क्या करते हैं रिमूव करते हैं। नेक्स्ट रिमूवल मेथड है सिंथेटिक रेजिन और आयन एक्सचेंज मेथड। यहाँ पर एक जो प्रोसेस है हम उसको डिस्कस कर देते हैं। जब हम हार्ड वाटर को एक्सचेंजर से पास करते हैं तो सबसे पहले हम किससे पास करेंगे कैटायन एक्सचेंजर से, फिर उसके बाद वाटर को हम किससे पास करते हैं एनायन एक्सचेंजर से जब पास करते हैं तो हमें उसके बाद जो वाटर ऑब्टेन होता है वो क्या होता है डीआयोनाइज्ड वाटर। इसका मतलब है कि ये जो हमें वाटर ऑब्टेन हो रहा है उसमें हार्ड वाटर या चाहे कैटायन है या एनायन है उसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है प्योर वाटर मॉलिक्यूल होता है, प्योर वाटर होता है। इसका मतलब है कि इस प्रोसेस से जो हमें वाटर ऑब्टेन होता है वो एक डी मिनरलाइज वाटर होता है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई मिनरल नहीं होता है, उसे हम डीआयोनाइज वाटर या हमें हम कहें डी मिनरलाइज वाटर हमें ऑब्टेन होता है। किस मेथड से सिंथेटिक रेजिन या हम कहें आयन एक्सचेंज मेथड से हम क्या करते हैं ऑब्टेन करते हैं। यहाँ पर हम सिंथेटिक रेजिन को समझ लेते हैं। सिंथेटिक रेजिन क्या है, सिंथेटिक रेजिन एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनसॉल्युबल पॉलीमर है, सॉल्युबल नहीं होता है, गर्म पानी अगर उसमें ऐड भी कर दिया जाए तो भी सॉल्युबल नहीं है, हाई मॉलिक्यूलर वेट के है, क्रॉस लिंक्ड है, ये जो कहलाते हैं आपका सिंथेटिक रेजिन या हम कहें रेजिन या एक्सचेंजर कहलाते हैं। अब ये एक्सचेंजर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के हैं, एक तो कैटायन एक्सचेंजर और दूसरा है एनायन एक्सचेंजर। कैटायन एक्सचेंजर इसका मतलब है कि हार्ड वाटर के कैटायन इसके और कैटायन एक्सचेंजर के जो कैटायन है वो आपस में क्या करते हैं एक्सचेंज करते हैं। इसका मतलब है कैटायन कैटायन को ही एक्सचेंज करता है, उसे हम कहते हैं कैटायन एक्सचेंजर। इसका जो रेजिन है वो क्या है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बोनेट या सल्फोनेट ग्रुप उसमें क्या होता है अटैच होता है। जब हार्ड वाटर इससे पास होता है तो जितने भी कैटायन है वो क्या होते हैं उस पर एब्जॉर्ब और रेजिन पर क्या होते हैं एब्जॉर्ब हो जाते हैं और रिमेनिंग एनायन क्या होते हैं आगे की तरफ पास होते हैं। नेक्स्ट है एनायनिक एक्सचेंजर क्या है, एनायनिक एक्सचेंजर का मतलब है कि पानी के एनायन और इसके एनायन आपस में एक्सचेंज होते हैं, उसे हम कहते हैं एनायनिक एक्सचेंजर। तो यहाँ पर रेजिन पे जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है एक्सेट्रा या फॉस्फोनियम सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं एनायनिक एक्सचेंजर। यहाँ पर जब पानी इससे पास होता है तो पानी के एनायन और इसके एनायन आपस में जब एक्सचेंज होते हैं और जब
एक्सचेंज होने के बाद एच प्लस आयन और एच आयन आपस में जब कंबाइन होते हैं, जो रिमेनिंग बचे हैं कंबाइन होते हैं, तो ये क्या करता है, H2O मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है, जो कि क्या है, प्योर वाटर है। थैंक यू गाइस, आप मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन जाकर देखें जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट लिंक दे रखे हैं। इसके साथ साथ आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।